मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। अभी आप सभी देख सकते हैं, मैं जो भाई ऊटी रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं इस रेलवे स्टेशन को या इस जगह को ऊटी और उदगम मंडलम के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम ऊटी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आपको ऊटी घुमाएंगे पूरा, और ऊटी के अंदर जितनी भी जगह फिल्में शूट हुई है वो सब दिखाएंगे। अभी मैं पहुंच चुका हूं गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन में, आप देख सकते हैं इसे ऊटी का बोटेनिकल गार्डन भी कहा जाता है। बहुत लोग सर्च करते हैं गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन और ऊटी बोटेनिकल गार्डन, क्योंकि ये दोनों सेम ही है लेकिन लोग अलग अलग सर्च करते हैं। तो मैं बता दूं ये एक ही है। और पीछे आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट है जहाँ से अभी हमने एंट्री ली है। ऊटी के अंदर में बहुत से गार्डन्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तोप रखी गई है। और आई थिंक सो ये जो है ना भाई प्रॉपर कंडीशन में है, अभी भी देखिए किस प्रकार से, और मेरे को ऐसा लगता है शायद ताम्र धातु की है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और आपको फिल्मों के सारे सीन जो है ना दोस्तों वो मैच करवाते हैं। दोस्तों अभी मैं जो ना ये गार्डन है ना इसे पूरा विजिट कर लेता हूँ, पूरा घूम लेता हूँ, क्योंकि गार्डन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और फिल्मों की लोकेशंस मिलना काफ़ी टिपिकल हो जाएगा जब तक कि इस गार्डन की सिचुएशन को मैं ढंग से समझ नहीं लूँ। मतलब कहाँ कहाँ किस जगह पे फिल्म के सीन शूट किए गए होंगे वो मेरे को एग्जैक्टली लोकेशंस देखनी होगी, देन उसके बाद में ही मैं आपको सारा लोकेशंस मैच करवा पाऊँगा। तो अभी देखिए आप यहाँ से जो व्यू देख रहे हैं ना, आई थिंक सो कि यहाँ इस जगह पे बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुई है इस गार्डन में। गार्डन को देख के ही लग रहा है दोस्तों। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं यहाँ इस जगह से धर्मेंद्र जी जाते रहते हैं, ठीक है, इस जगह से जाते हैं। और बेसिकली ये जो पेड़ है ये वाला और ये वाला दिखता है, बट ये थोड़ा पहले से कम हो चुका है ये पेड़। और जो सीन है वो बेसिकली यहीं से लिया जाता है। अभी मैं आपको सारे सीन प्रॉपरली मैच करवाऊंगा, तो इसी जगह से सीन लिया जाता है। और फिर एक सीन में क्या होता है, यहाँ देखिए यहाँ पर इस जगह से मुमताज़ निकल के आती हैं, जो एक्ट्रेस मुमताज़ हैं, तो मुमताज़ मैडम यहाँ से निकल के आती हैं। और बेसिकली जो पेड़ का झाड़ है ना ये दिखाई पड़ता है और ये तना दिखाई पड़ता है, और इसके ऊपर में मकान बने हुए हैं। मैंने प्रॉपरली मैच करने की कोशिश करी है, तो अभी पेड़ों की वजह से वो दिख नहीं पा रहे हैं और फिल्म को बने हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, यह भी आप दोस्तों अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गाने के शुरुआत में है और इसी शुरुआत के सेकेंड सीन में मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपरली मैच करवा के। अगला सीन यहीं पर लिया गया है, आप देख सकते हैं इस जगह पर गाने का जो पहरा होता है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है। सेकेंड सीन ही है गाने का, तो इसके अंदर में सीन कुछ इस प्रकार से आता है, मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तू। तो इस प्रकार से सॉन्ग आता है। और यहाँ पर दोस्तों आप प्रॉपरली इन पेड़ को मैच करके देख सकते हैं, देखिए सीन कुछ इस तरीके से होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि एक जो तना है यहाँ पे, मतलब एक जो डाल है ना वो यहाँ पर नहीं है, एक डाल इस जगह से टूट चुका है। बाकी सीन आपको प्रॉपरली मैच हो जाएगा। पीछे आप जो रेलिंग है उन्हें मैच कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इस वाली डाल को मैच करके देख सकते हैं, और ये वाला जो पेड़ है इस वाले को पेड़ को भी अच्छे से मैच करके देख सकते हैं। देखिए फिल्म 1973 में बनी थी, यानी कि 1973 में फिल्म बनी थी, और आज आप देख सकते हैं पेड़ सिमिलरली वैसा ही दिख रहा है, ग्रोथ तो हुआ है, पहले थोड़ा छोटा था बट अभी ऐसा लग नहीं रहा कि ज़्यादा बड़ा हुआ है, मतलब उतना ही दिख रहा है पेड़।
तो फिल्म के अंदर में यहीं के सीन लिए जाते हैं। और बेसिकली दोस्तों फिल्म वालों के जो कैमरे होते हैं वो बेसिकली लेंस लगा के रखते हैं, ठीक है, लेंस चेंज करते हैं, उनमें जूमिंग जूम आउट वाला सिस्टम बहुत कम रखते हैं, बट वो लेंस लगाते हैं। जब मैंने फिल्म की शूटिंग लाइव देखी थी तब मैंने ये देखा था कि वो नंबर के लेंस लगाते हैं और उसी से शूट करते हैं, मतलब जूमिंग जूम आउट वाले सीन बहुत कम करते हैं फिल्म वाले, और उनके पास बहुत सारे लेंस होते हैं, तो इस वजह से आपको मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, देखिए इस प्रकार से सीन आता है, आप मैच करके देख सकते हैं। तो यहीं पे वो अंतर आता है, मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। बहुत ही अच्छा गाना है दोस्तों ये, और फिल्म भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, धर्मेंद्र जी की फिल्म है, यानी कि सनी देओल हमारे सनी पाजी के पिताजी, ठीक है। तो नेक्स्ट सीन में आपको मैच करवा देता हूँ गाने का। फिल्म के इस सीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मुमताज़ मैडम है यहाँ इस जगह से झांकती हैं, और यहाँ इस जगह पे इसे ये जो गार्डन का ग्राउंड है ना बेसिकली ये, इसे आप मैच करके देख सकते हैं। पहले जो यहाँ पर जाल लगा हुआ था वो दूसरा था, अभी ये जाल दूसरा है, और सीन कुछ इसी तरीके से आता है दोस्तों। और फिल्म वालों के मैंने जैसे आपको बताया कैमरा बहुत ही अलग तरीके से एंगल करके रखते हैं, तो इसे आप मैच कर सकते हैं। और पेड़ का ये जो पेड़ है इसकी डिज़ाइन के बारे में आप ज़रूर से कहेंगे, तो ये डिज़ाइन देखिए आप, सिमिलर है वैसी की वैसी, लेकिन पहले यहाँ इस जगह से बीच में था, ये पूरा भरा हुआ नहीं था, ठीक है, इसकी कटाई हो रखी थी, देखिए अभी ये कुछ अलग तरीके से बना दिया गया है। और बाकी फिल्म के अंदर में इसी तरीके से सीन नज़र आता है, और बोटेनिकल गार्डन में यही एक खाली एकमात्र आपको पेड़ मिलेगा जिसका सीन नज़र आता है, तो देख सकते हैं आप इसे प्रॉपरली मैच करके स्क्रीनशॉट में। फिल्म के इस सीन में आप देख सकते हैं यहाँ इस जगह से धर्मेंद्र पाजी यहाँ से जाते रहते हैं, और इस जगह का नज़ारा दिखाई देता है, पीछे आप जो रेलिंग है ना उसे भी आप मैच कर सकते हैं। तो एक सीन बेसिकली फिल्म के अंदर में यहाँ से लिया गया था, और एक दूसरे एंगल से लिया गया था जो कि आगे जाकर था, तो वो भी मैं आपको मैच कराऊंगा। इस जगह को आप देख सकते हैं यहाँ इस जगह से जाते रहते हैं, और ये सीन नज़र आता है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों, ये देखिए वो सीन कुछ इसी तरीके से नज़र आता है। और बेसिकली ये जो पेड़ है ना, पेड़ का ये तना इस तरीके से दिखता है, तो ये आप मैच करके देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, बेसिकली इसी जगह से धर्मेंद्र जी जाते रहते हैं। अभी आप देख सकते हैं इस पेड़ के ऊपर में जंगली देखिए घास टाइप में उगाई है, और बेसिकली इसी जगह को फिल्म के अंदर में जो मुमताज़ हैं वो पकड़ के रखती हैं, ठीक है, तो मुमताज़ मैडम फिल्म के अंदर में इसी तने को पकड़ के रखती हैं, और इसी तरीके का कुछ नज़ारा सीन आता है, तो आप स्क्रीनशॉट में इसे भी मैच करके देख सकते हैं।